हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्वेश्चन क्वेश्चन 21 तक कंप्लीट कर दिया था चैप्टर नंबर 13 में, बेस टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसमें क्वेश्चन 21 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अटेंशन प्लीज। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है। अ कार्टून कैन होल्ड 10,946 पेन। इफ 8 सच कार्टून आर पैक्ड, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पेन्स पैक्ड। आपको क्या कहा है कि एक कार्टून में कितनी पेन से आ रही है 10,946। तो ऐसे 8 कार्टून हमें पैक करने हैं, तो हमें ऐसे कितनी पेन आएगी वो हमें एस्टिमेटेड ढूंढना है। एग्जैक्ट नहीं कहा है, हमें एस्टिमेटेड फाइंड करना है। तो हम एस्टिमेटेड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 10,900 है यानी कि ऑलमोस्ट 11,000 हम लिख सकते हैं। ओके, एक कार्टून में इतनी है, हमें ऐसे 8 की करनी है यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने एस्टिमेट लिख दिया है इसका, 10,946 है तो ऑलमोस्ट 11,000 हो रहा है। तो 11,000 मल्टीप्लाई 8 कर देना है तो क्या आ जाएगा, 88,000 आ जाएगा। ये एस्टिमेटेड है और एग्जैक्टली भी हम कर लेते हैं कि कितनी आएगी। ओके, सो 10,946 मल्टीप्लाई 8, 8 6 48, तो 48 का 8 4 कैरी, 8 4 सा 8 6 48 का 8 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36 का 6 3 कैरी, 8 9 ज़ा 72 प्लस 3 75 का 5 7 कैरी, 8 0 ज़ा 0 प्लस 7 का 7 8 1 ज़ा 8। तो क्या आया, 87,568 एग्जैक्टली और ये एस्टिमेटेड का आया। ओके, तो आंसर क्लियर है, 88,000 एस्टिमेटेड आएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके, तो पहले इसको इसका क्या है कि एस्टिमेटेड आपको करना है। ओके, तो 31 को आप एस्टिमेटेड क्या लिख सकते हैं, 800 है, 31,800 यानी कि ऑलमोस्ट आप 32 लिख सकते हो। राउंड ऑफ करके 400 में सीखा है ना राउंड ऑफ करना, यानी कि 32 लिख सकते हो। अब 1 को राउंड ऑफ करना है तो पीछे का नंबर आपको देखना है कि 8 है यानी कि 1 में क्या हो जाएगा ऐड, यानी कि 5 से जिस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना हो उससे बड़ा नंबर 5 से बड़ा हो, 5 या 6 7 8 कोई भी हो, तो इस नंबर में 1 ऐड होगा। अगर 1 2 3 4 होता है तो इस नंबर में कुछ ऐड नहीं होगा, 31,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 8 है तो क्या आ जाएगा, 32,000, और ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, 5 से बड़ा नंबर है, दूसरा वाला 5 से बड़ा है, इसलिए क्या आ जाएगा, 800। ओके, तो हमें एस्टिमेटेड सम क्वेश्चन निकालना है तो निकालते हैं। चलो 32,000 डिवाइड 800, इक्वल 0 कैंसिल कर दो ताकि डिवाइड करने में इजी हो जाए। 8 4 32, 0 आया नीचे, डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर रख देंगे 0, 40 आंसर आ रहा है। और एग्जैक्टली आपको करना हो तो 31,870 डिवाइड 772 आपको खुद से सॉल्व करना है, एग्जैक्टली आपका 41 आंसर आएगा। ओके, मैंने आंसर लिख दिया है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है डिवाइड करके। ओके, समझ में आया ना, राउंड ऑफ अपने फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा है। अगर आपको याद नहीं है तो वापस आप फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक लेके देख सकते हो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, अन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड रुपीज 75,68,825 फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। If the value of each share is rupees 425, what is the total number of share issued by the organization? यानी क्या कहा है कि organizers है वो इतने shares है वो मतलब purchase करता है, खरीदता है। ओके, उसके बाद इतने shares है, इतने rupees के shares है, तो हर एक share की price आपको दी है, कितनी है,
425, तो उसके पास ऐसे कितने शेयर्स होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल मनी डिवाइड एक शेयर के मनी, तो पता चल जाएगा ना कितने शेयर्स होंगे उसके पास। तो चलो 75,68,825 डिवाइड 425, 425 आंसर 425, माइनस कर दो 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 4 3, अब ऊपर से आएगा 8, 425, 7 सा 2975, माइनस करो 8 माइनस 5 3, यहाँ पे बोरो देना पड़ेगा, 3 को कट करके 2, 9 प्लस 3 12, और 1 प्लस 10 11, 11 माइनस 7 4, 12 माइनस 9 3, 2 माइनस 2 0, ओके ऊपर से आएगा यहाँ पे 8, 425 8 3400 400 होता है, इसलिए अब माइनस करो 8 माइनस 0 8, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 4 0 3 माइनस 3 0, अब ऊपर से आएगा 2, अब 425 और यहाँ पे 300 है तो नहीं होगा, तो ऊपर रखेंगे 0 और यहाँ से 5 को लाएंगे हम नीचे, अब होगा ऑफकोर्स होगा 425, 9 सा क्या हो जाता है 3825, माइनस कर दो 0 0 0, तो उसके पास कितने शेयर्स हो गए, 17,809 शेयर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, 2819 डिवाइड किससे आप नंबर से करोगे, उस नंबर को डिवाइड करोगे जो आंसर बनाएगा उसी नंबर से करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा 2819, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1, क्लियर। अब बी है 10,937 डिवाइड 10,970, क्या किया इक्वल नंबर से डिवाइड किया तो आंसर 1 आएगा, तो इक्वल नंबर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1, क्लियर। अब 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 0, लेकिन कोई भी नंबर को डिवाइड 0 करो तो वो नॉट डिफाइन होता है, यानी कि वो सम सॉल्व ही नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, होलसेल क्लॉथ मर्चेंट सॉल्ड 1,46,263 लास्ट ईयर एंड 2,60,308 ड्रेसेस दिस ईयर, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ड्रेसेस डिड ही सेल इन बोथ ईयर कंपेयर विथ एक्चुअल सेल, ओके आपको एक्सट्रीमली अप्रोक्सीमेटली भी ढूंढना है और एक्चुअल भी ढूंढना है। तो पहले तो कहा क्या है कि एक होलसेल मर्चेंट है, दुकानदार, वो इतने ड्रेसेस लास्ट ईयर में बेचता है, ओके क्लॉथिस लास्ट ईयर में एंड इस साल में इतने ड्रेसेस बेचता है, तो दोनों की मिलाकर कितने ड्रेसेस हो, दोनों ईयर का मिला के वो कितने ड्रेसेस सेल करता है वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो चलो पहले फाइंड करते हैं लास्ट ईयर का और इसका, दोनों का एडिशन करने पहले ना एक्चुअल फाइंड करते हैं, ओके फिर अप्रोक्सीमेटली करेंगे और फिर क्या कहा है कंपेयर विथ एक्चुअल सेल, दोनों को कंपेयर करना है इसलिए माइनस करते हैं, पहले इन दोनों का एडिशन हो जाएगी क्योंकि दोनों ईयर का साथ में सेलिंग ढूंढना है, इसलिए अब करते हैं चलो 3 प्लस 8 11, 11 का 1 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 3 5, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 6 10 का 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, अब एक्चुअल आपको सम इतना मिला, अब अप्रोक्सीमेटली आपको इसको देखे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14,000 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 15 लिख सकते हो, 1,50,000 लिख सकते हो, और इसको 2,60,000 है तो इसको 2,50,000 लिख सकते हो, यस। तो इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली इतना लिख दिया है, ओके अब इसका एडिशन करते हैं 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, अब इसमें आया 4 लैख और इसमें है 4,66,571, अब इन दोनों कंपैरिजन करने के लिए दोनों का माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 0 1 7 माइनस 0 7 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 4 0, तो कितना एक्चुअल सम कितना बड़ा है, लेस अप्रोक्सीमेटली से
6571 लेस फ्रॉम एक्चुअल सम, ओके अप्रोक्सीमेटली इतना लेस है, क्लियर। अब देखते हैं आगे, तो आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें क्या कहा है, फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस बिटवीन 4,33,290 and 2,89,876 by rounding off the nearest 10,000 के nearest इसको round off करना है। तो देखिए 1 stands 100,000 in 10,000, इसको round off करना है 33 को, पीछे का number आपको देखना है कितना है, 3 है, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे इस number में कोई add नहीं होगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, 4,33,30,000 हो जाएंगे, ओके। अब इसको राउंड ऑफ करना है 1, 10, 100,000 और 10,000। अब 8 को इतना राउंड ऑफ करना है, पीछे का नंबर देखना है, 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इसलिए 8+1 क्या हो जाएगा 9 और बाकी के 0, तो क्या हो जाएगा 2,90,000। अब क्या करना है, इसका एस्टिमेट सॉरी इसका डिफरेंस निकालना है, ओके। तो डिफरेंस माइनस करते हैं, 4,30,000 - 2,90,000, 0 - 0, 0, 0, 0, 0, 3 - 9 नहीं होगा, यहाँ से बोलो दो 4 को कट करके 3, यहाँ पे 10+3, 13, 13 - 9, 4, 3 - 2, 1, तो क्या आंसर आया, 1,40,000 दोनों का डिफरेंस निकला, क्लियर। अब राउंड अप करना आ गया ना, 5 से बड़ा हो तो 1 नंबर ऐड होगा, जो नंबर हो उसमें 1 ऐड होगा, और 5 से छोटा हो तो वहीं का वही नंबर रहेगा और बाकी सब पीछे के डिजिट 0 हो जाते हैं, क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है, ग्रेसी बोरोड अ सम ऑफ ₹4,000 फ्रॉम हर फ्रेंड टू बाय अ स्टडी टेबल, शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ टू हर फ्रेंड फॉर 1 ईयर, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय ग्रेसी, यानी कि जो ग्रेसी है वो स्टडी टेबल के रुपीस पे करती है, उसके और उसकी फ्रेंड दोनों का सम यहाँ पे दिया है, दोनों के रुपीस कितने देती है, वो ₹4,000 देती है, ओके। तो उसमें से क्या कहा है, शी पेड बैक 345, ओके, तो वो मंथली कितना देती है, ऑफ 1 ईयर टोटल अमाउंट पेड बाय ग्रेसी, ओके, तो एक मंथ का कितने रुपीस पे करती है, 345, तो हमें 1 ईयर के लिए चाहिए, तो 1 ईयर के लिए टोटल कितने रुपीस वो पे करती होगी वो ढूंढना है, ओके। तो 1 मंथ का 345 है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई 12, ओके, 345 रुपीस को, ओके, 5 2 10 0 1 carry 4 2 8 plus 1 9 2 3 6 2 digit ka 0 1 5 4 1 4 4 1 3 3 addition कर देते हैं, 0 plus 0 0 9 plus 5 14 ka 4 1 carry 6 plus 4 4 10 plus 1 11 ka 1 1 carry 3 plus 1 4, तो कितने रुपीस वो पे करती है, टोटल 4,140 रुपीस पेड बाय क्रेसी टू स्टडी टेबल, ओके, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है, झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ ₹21,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ लॉकबोर्ड, दे पेड बैक अ टोटल ऑफ ₹23,520 टू द बैंक इन अ 1 ईयर, हाउ मच डीड दे पे बैक एवरी मंथ, यानी कि जैंसी उसकी सिस्टर है, उसने लोन ली है बैंक से 21,000 की, और वो 1 ईयर में लोन चुकाती है, पैसे देती है कितने, 23,520, तो वो 1 ईयर में पे करती है इतना टोटल, और हमें क्या कहा है कि एवरी मंथ यानी कि एक मंथ में वो कितने रुपीस पे करती होगी वो हमें फाइंड करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 1 year = 12 months हो जाते हैं, तो इतना ईयर का इतना है, तो 1 month का फाइंड करने के लिए 23,520 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ओके, सो 12 ones are 12, 3 - 2 1, 2 - 1 1, ऊपर से आएगा 5, 12 9 are 108,
यहाँ से बोरो दो, 0 1 को कट करके 0, 10 + 5 15, 15 - 8 7, 0 - 0 7, 1 - 1 0, ऊपर से आएगा 2, 12 6 72, 72 - 72 0 0, ऊपर से आएगा 0, डिवाइड नहीं होगा इसलिए ऊपर क्या रख देंगे 0। तो झांसी है वो 1 मंथ का कितना पे करती है, 1960 रुपीज़ पे करती है। ओके क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर, पे बैग उसको मिलता है ओके मंथली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इन अ डिविजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 63, द क्वेश्चन इज 857 एंड द रिमाइंडर इज 27, व्हाट इज डिवाइडेड। तो आपका ये डिवाइडेड इज इक्वल टू फॉर्मूला है, फोर्थ स्टैंडर्ड में आया था, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आपके पास डिवाइजर है 63, क्वेश्चन है 857 और रिमाइंडर है 27, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको रफ बुक में करना है और आंसर आता है 53,991, वो यहाँ पे लिखना है, प्लस 17 ऐड करना है, 1 + 7 8, 9 + 2 11 का 1 कैरी, 9 + 1 10 का 0, 1 कैरी, 1 + 3 4 और 5 का 5, सो आपका आंसर आता है 54,018। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 31, कि ये कहा एस्टिमेट टू कंपेयर राइट ग्रेटर देन और लेस देन। ओके तो आपको ये नंबर दिया है 2, इसका एडिशन किया है मैंने, आपको करना हो तो आप कर लेना रब बुक में। इसका आंसर आता है 49,079 और यहाँ पे दिया है 40,000, तो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला बड़ा हुआ, ये 40 है और ये 49 है, 49,000 है और 40,000 है, तो 49 वाला बड़ा होगा, यानी कि कौन से साइन आएगी ग्रेटर देन बी। ओके और अब इसमें बी में देखिए, इन दोनों का माइनस करना है, इसका आंसर आता है 77,222, आपको माइनस करना हो तो रफ बुक में आप कर लेना। ओके अब आप देखिए, यहाँ पे 50,000 दिया है, यहाँ पे 77,000 दिया है, तो कौन बड़ा है, 77,000 बड़ा हुआ, यानी कि कौन से साइन आएगी ग्रेटर देन की। अब सी में देखिए, 482 × 616, रफ बुक में आपका इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिखना है, आंसर आता है 296,912 और यहाँ पे आपको दिया है 20,000, तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो कौन सी साइन आएगी ग्रेटर देन की। अब आपको इसको डिवाइड करना है और आंसर आता है 6,804 और यहाँ पे दिया है 10,000, तो कौन बड़ा हुआ, 10,000 बड़ा हुआ 6,000 से, तो साइन कौन सी आएगी लेस देन की। क्लियर। इतना ये सारा आपको रब बुक में करना है। ओके ध्यान से करना ताकि कोई मिस्टेक ना आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, इसमें कहा है मिस्टर मिसेस नेहरू सॉल्ड 7,928 केक्स इन 6 days, शी सॉल्ड 350 मोर केक्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक देन द प्रीवियस 6 days, हाउ मैनी केक्स डीड शी सेल इन द होल वीक। यानी कि जो नीरू है वो 6 days में कितनी केक बेचती है, इतनी। ओके और उसके बाद 350 मोर, यानी कि इससे 350 ज़्यादा है वीक के लास्ट डे, यानी कि 7 days में, 7 जो लास्ट डे था वीक का, उस एक दिन में 7,928 से 350 ज़्यादा बेची है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि प्रीवियस 6 days में, ओके हाउ मैनी केक्स डू सेल इन होल वीक, यानी कि पूरे वीक में उसने कितनी केक है वो सेल की है। ओके तो हम लास्ट डे का पहले फाइंड कर लेते हैं, 6 days का हमारे पास है, उससे 350 ऐड करना है, यानी कि वो 1 day में इतनी केक बेचती है 7 days में। ओके तो वो देखते हैं, चलो 7,928 प्लस 350, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 5 7, 9 प्लस 3 12 का 2, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, तो ये हमें 7th day की मिली और उसने कितनी 6 days में इतनी बेची, हमें पूरे वीक की फाइंड करनी है, यानी कि ये डे की और इसकी दोनों का क्या हम करेंगे एडिशन, तो पूरा वीक का हमें पता चल जाएगा
चलो इसको और इसको ऐड करते हैं, 8 + 8 16 + 6 1 कैरी, 7 + 1 8 8 + 2 10 का 0 1 कैरी, 2 + 1 3 3 + 9 12 का 2 1 कैरी, 8 + 1 9 9 + 7 16। तो उसने 16,206 केक है वो सेल की इन अ वीक में, पूरे वीक में इसने इतनी केक है वो सेल की है। ओके क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो इसमें क्या है, 16,33,500 मीटर ऑफ वायर इज टू बी पैक्ड इन बंडल। इफ ईच बंडल कंटेन 182 मीटर ऑफ वायर, हाउ मेनी बंडल्स विल बी मेड एंड हाउ मच वायर विल रिमेन अनपैक्ड। यानी कि 16 लाख इतना मीटर जो वायर है वो बंडल में पैक है। ओके, एक बंडल में 182 मीटर आता है, तो ऐसे कितने बंडल होंगे जिसमें ये वायर हम ऐसे बंडल बना सकेंगे इस वायर की। ओके, और कितना अनपैक्ड यानी कि कितना वायर है वो बचेगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिवाइड 182, तो पता चलेगा ऐसे कितने बंडल बनेंगे और कितना वायर बचेगा। ओके, तो इसको डिवाइड करते हैं 182 से। 182 इज 1456 माइनस करना है। ओके, 3 माइनस 6 नहीं होगा, तो यहाँ से देंगे 4, 6 को कट करके 5, 9 + 3 = 12, 10 + 3 = 13, 13 - 6 = 7, 12 - 5 = 7, 5 - 4 = 1, 1 - 1 = 0, ऊपर से आया 5। 182 * 9 = 1638। अब माइनस करो, नहीं होगा तो यहाँ से बोरो दो, 7 को कट करके 6, 10 + 5 = 15, 15 - 8 = 7, 6 - 3 = 3, 7 - 6 = 1, 1 - 1 = 0, ऊपर से आया 0। 182 * 7 = 1274, माइनस करो यहाँ से बोरो दो, 3 को कट करके 2, 9 + 7 = 16, और यहाँ पे 10, 10 - 4 = 6, 16 - 7 = 9, 2 - 2 = 0, 1 - 1 = 0, ऊपर से आया 0। 182 * 5 = 910, 0 - 0, 6 - 1 = 5, 9 - 9 = 0, यानी कि ऐसे कितने बंडल बनेंगे 182 मीटर के, 8975 बंडल बनेंगे, और 50 मीटर वायर है वो रिमेन अनपैक्ड होगा। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 17,85,483। इफ वन नंबर ऑफ द नंबर्स इज 987, फाइंड द अदर। आपको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर दिया है, उसमें से एक नंबर एट है, तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिवाइड ये नंबर। ओके, तो हम 17,85,483 को डिवाइड करेंगे 987 से। चलो 987 * 987, माइनस नहीं होगा सो बोरो दो, 1 को कट करके 0, 9 + 7 = 16, 8 + 9 = 17, और 10 + 5 = 15, 15 - 7 = 18, 17 - 8 = 9, 16 - 9 = 7, 0 का 0। ओके, ऊपर से आया 4। 987 = 7,896, बोरो दो, चलो 9 को कट करके 8, 9 + 7 = 9 + 8 = 17, और 10 + 4 = 14, 14 - 6 = 8, 17 - 9 = 8, 8 - 8 = 0, 7 - 7 = 0, ऊपर से आया 8। 900, अब माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 900, सो ऊपर रखेंगे 0 और यहाँ पे 3 को लाएंगे हम नीचे, 987 * 8883, माइनस कर दो 000। ओके, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, 1809 को आप 987 से मल्टीप्लाई करोगे, सो आपका ये आंसर आएगा। क्लियर। अब है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है, मनोज बेक्ड 2000 कुकीज, ही सॉल्ड 600 ऑफ देम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट इक्वली अमॉन्ग हिज 20 फ्रेंड्स। हाउ मेनी कुकीज डिड ईच ऑफ हिज फ्रेंड रिसीव। मनोज जो है वो 2000 कुकीज
बनाता है, उसने बैक की है ओके, उसमें से उसने 600 सॉल्व कर दी है, यानी कि 600 हम 2000 में से क्या कर देंगे माइनस, उसके बाद जितनी कुकीज बची है उसको उसने उतने 20 फ्रेंड्स में इक्वली बांटी है, तो एक फ्रेंड को कितनी कुकीज़ मिलेंगी वो हमें फाइंड करना है ओके। सो हम पहले क्या करेंगे, उसने कितनी बैच डाली है 600, तो 2000 माइनस 600 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 1400। अब 1400 के को उसने कुकीज़ को उसने 20 फ्रेंड्स में डिवाइड की है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड 20 करेंगे ताकि पता चलेगा कि एक फ्रेंड को कितनी रिसीव होगी कुकीज़। सो 1400 डिवाइड 20 7 140 0 0 4 0 1 -1 0 नीचे आया 0, डिवाइड नहीं होगा सो ऊपर क्या रखेंगे 0। सो हमारा आंसर क्या आया 70। सो एक फ्रेंड को कितनी केक कुकीज़ रिसीव होगी, 70 कुकीज़ रिसीव ईच फ्रेंड्स ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द कॉस्ट ऑफ 12 कैलकुलेटर इज रुपीज़ 1344, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 10 कैलकुलेटर्स ओके। 12 कैलकुलेटर की कॉस्ट इतनी प्राइस है तो 10 की कितनी होगी ओके। सो 12 कैलकुलेटर्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1344, सो 10 कैलकुलेटर कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी, सो हम क्या करेंगे 1344 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 12। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करोगे 1344 डिवाइड 12 कर लेना है ताकि आपको एक कैलकुलेटर की प्राइस पता चलेगी, जो आंसर आए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना ओके। तो ये भी वही हुआ। अब देखिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, यानी कि क्या हो जाएगा 13440 मल्टीप्लाई 10, एक जीरो पीछे लग जाएगा डिवाइड 12। अब इसको 12 बन जा 12 ओके, 1 बचेगा नीचे आएगा 4, 12 बन जा 12, 2 बचेगा नीचे आएगा 4, 12 टू जा 24 या 0 ओके। तो 10 कैलकुलेटर की प्राइस क्या होगी 1120। आपको डिवाइड करना हो तो रफबुक में आप ये कर सकते हो, वैसे तो इजी ऐसे ही हो जाता है, पर आपको समझ में ना आए तो रफबुक में ये डिवाइड करना है, 12 का टेबल आता होगा तो इजीली हो जाएगा ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है ओके। क्वेश्चन नंबर 37, अ नंबर एक्सिस्ट, आपको यह नंबर दिया है बाय दूसरा नंबर, व्हाट इज़ दैट नंबर, तो वो कौन सा नंबर बनेगा वो आपको देखना है, यानी कि इन दो नंबर का आपको एडिशन करना है, तो सबको आएगा ना एडिशन करना, ये नंबर प्लस ये, तो चलो करते हैं 4 + 6 10 का 0 1 कैरी, 4 + 1 5 5 + 5 10 का 0 1 कैरी, 8 + 1 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 7 + 1 8 8 + 4 12 का 2 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 7 11 का 1 1 कैरी, 6 + 1 7 7 + 6 13 का 3 1 कैरी, 5 + 1 6 6 + 7 13 का 3 1 कैरी, 3 + 1 4। तो ये आपका जो नंबर होगा वो ये नंबर होगा ओके। कौन सा नंबर मिलेगा, ये वाला। तो क्लियर, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट होता है ओके। बहुत ही इजी है, अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, और अच्छे से पहले आप सबको आ जाएगा, बहुत ही इजी है, दो पहले टेबल अच्छे से लर्न कर लेना ताकि आप ये सारे सम सॉल्व कर पाओ ओके। अच्छे से वीडियो देखना है, उसके बाद खुद से लिखना है, कोई भी ये सम देख देख के नहीं लिखेगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये आएंगे सारे सम, इसलिए ओके। अगर खुद से किए होगे तो एग्ज़ाम में भी लिख सकोगे, वरना नहीं लिख सकोगे ओके। कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए ओके। थैंक यू।